Hello students, today we will start with exercise 2.2. In this exercise we will learn how to multiply the whole number with the fractional number. Now multiply and reduce to the lowest term या form में आपने करना है and convert into a mixed fraction. Like 7 जो है वो आपका whole number है and 3/5 जो है वो आपका फ्रैक्शनल नंबर है. तो इसको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है? सिंपल है कि होल नंबर में जब आपका 7 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, इट मींस वहाँ पे 1 होता है. तो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से. 7 थ्री ज़ा 21, 1 फाइव ज़ा 5. तो अब आप 21 को 5 से डिवाइड करके देख सकते हो. तो 21 को आप 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 कैसे डिवाइड करोगे? तो 5 फोर ज़ा 20 आएगा, आपका रिमाइंडर 1 आ गया. क्वेश्चेंट आपका पहले लिखा रहता है 4 और ये रिमाइंडर आपका यहाँ आता है 4. 1/5 इज़ योर अल्टीमेट आंसर. नाउ सेम वे आप ये कर सकते हो, 4 वन दा 4 अपॉन 3, 2 सिक्स 12 अपॉन 7, 5 टू ज़ा 10 अपॉन 9, नाउ 2 फोर ज़ा 8 अपॉन 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समथिंग डिफरेंट है, आपका 5/2 × 6. इसमें क्या है कि आपका ये जो होल नंबर 6 है और ये जो न्यूमिरेटर में है, इट मींस आपका ये जो एक न्यूमिरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, ये सेम टेबल से आपके डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 2 और 6 जो हैं दोनों ही 2 से डिविजिबल है. तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 थ्री ज़ा 6. तो इसको हम कैंसिलेशन बोलते हैं, 2 वन द 2, 2 थ्री द 6. इट मींस आपने इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दिया. तो अब आपका क्या है, 5 थ्री ज़ा 15 और नीचे आपका 1:1 आ गया. तो हम डिनोमिनेटर में 1 कभी नहीं लिखते हैं, सो वी विल राइट आवर आंसर इज 15. इसे 15/1 कभी नहीं लिखा जाता है, इसे अकेला 15 ही लिखा जाएगा. नाउ सेम वे आपका नेक्स्ट है कि आपका 5 और 20 जो है आपका सेम टेबल से डिवाइड हो रहे थे. 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो योर आंसर विल बी 60. नाउ अब सेम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है. नाउ यू हैव टू फाइंड 1/2 of 24 एंड सेकेंड पार्ट है 1/2 of आपने 46 निकालना है. 1/2 of 24 का मतलब क्या है? तो 1/2 of 24 मीन्स 1/2 × 24 होता है. तो सेम आपने यहाँ भी कर देना है, क्योंकि 24 के नीचे 1 है और 2 और 24 सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. 2 के टेबल से इसे भी डिवाइड कर दिया, 2 वन ज़ा 2, 2 के टेबल से इसे भी डिवाइड कर दिया, 12 आ गया. तो नीचे तो आपका सिर्फ 1 है आपका, तो योर आंसर विल बी 12. सेम वे आपका 2 और 46 सेम टेबल से डिवाइड हो रहे थे, 2 वन ज़ा 2, 2 23 ज़ा 46. सो योर आंसर भी 1 × 23 23. सेम वे आपका नेक्स्ट है कि 2/3 of 18 है. 2/3 of 18 मीन्स 2/3 × 18 आप लिख सकते हो. तो ये आपका अगेन सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से, 3 वन ज़ा 3, 3 सिक्स ज़ा 18. तो आपने अब यहाँ पे नीचे 1 बचा है और ऊपर 2 सिक्स ज़ा 12. तो 12 विल बी योर अल्टीमेट आंसर. सेम पार्ट नेक्स्ट भी है आपका. नाउ सी और डी पार्ट भी आपके बिल्कुल सेम है. 3/4 of 16 मीन्स आपका 4 डिवाइड हो रहे हैं, 4 वन द 4, 4 फोर द 16. तो आपका ये 4 फोर द 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा और 4 थ्री ज़ा 12 विल बी योर आंसर. ये आपका 4 थ्री ज़ा 12 होगा. तो ये 4 वन द 4, 4 नाइन द 36, 9 थ्री द 27 विल बी योर आंसर. नाउ नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो आपने मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई में अब हमारा यहाँ पे होल नंबर है, बट दिस इज़ योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 3 आपका 3 ही रहेगा और ये आपको पता है कैसे मल्टी करना होता है. 5 5 ज़ा, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं. 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26. तो 26 अपॉन 25. अब हमें पता है ये कोई भी नंबर जो है सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है. अगर आपका सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आप 3 26 ज़ा 78 5 5 है.
तो इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी डिवाइड करके देखा था, सेम आप डिवाइड करके इसे मिक्स नंबर में यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके ये जितने भी पार्ट्स हैं आपके सेम हैं, बस जस्ट आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ये मिक्स फ्रैक्शन जो है इसको आपने सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों नंबर्स जो हैं मल्टीप्लाई होते हैं, 4 6 24 24 में अब आप प्लस 3 करोगे 27, और ये 4 नीचे के नीचे रहेगा। डिनोमिनेटर हमेशा अपनी जगह रहता है, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3 ही रहेगा। सिर्फ ये नंबर आपका चेंज होगा, और ये कैसे चेंज होगा कि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और जो आंसर आएगा ये प्लस हो जाएगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, फाइंड 1/2 ऑफ 2 3/4। तो आपने क्या करना है, 1/2 ऑफ 2 3/4, अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 4 2 8 8 + 3 11, तो 11/4, ये 1/2 अपनी जगह है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 11/4 अब हमारा आ गया है। अब हमारा एक न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा सेम टेबल से डिवाइड हो जाए, तो दोनों डिनोमिनेटर आप डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही दोनों न्यूमिरेटर, एक न्यूमिरेटर और एक डिनोमिनेटर होना ज़रूरी है। तो 1 11 11, 2 4 8 विल बी योर आंसर। सेम आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट भी आपका सेम है, 5/8 ऑफ 3 5/6, तो 3 5/6 यानी 6 3 18, 18 + 5 23/6 आ गया, तो ये आप इस तरह कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, ये एक पिकनिक के लिए गए, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर, कि वो दोनों जो है विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए हैं और उनकी मदर ने 5 लीटर्स वाटर की एक बॉटल उन्हें दी है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, मतलब विद्या ने 2/5 वाटर ड्रिंक कर लिया और बाकी का बचा हुआ प्रताप ने कर लिया। नाउ हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि कितना वाटर जो है विद्या ने ड्रिंक किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वाटर हमारे पास 5 लीटर था और विद्या ने कितना ड्रिंक किया, 2/5, इट मीन्स 2/5 ऑफ 5 लीटर। तो ऑफ की जगह हम पता है मल्टीप्लाई लिख देते हैं, तो ये दोनों नंबर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 1s are 5 1s are, तो 2 1s are 2, इस मीन्स विद्या ने कितना ड्रिंक किया है, 2 लीटर किया। तो 5 में से जब 2 लीटर जो विद्या ने ड्रिंक कर लिया, तो इट मीन्स प्रताप ने कितना किया है, बाकी का बचा हुआ यानी कितना बच गया, 3 लीटर्स, तो 3 लीटर्स जो है प्रताप ने कंज्यूम किया। अब हमसे पूछा गया सेकेंड पार्ट में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो अब उसने प्रताप ने 3 लीटर्स पानी पिया है आउट ऑफ 5 लीटर्स, तो उसका जो फ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 3/5 लीटर, तो 3/5 लीटर जो है वो उसने ड्रिंक कर लिया। थैंक यू।